ये बात जाने अपने लालजी से बहुत प्रेम किया होगा ना, बाकू क्रोध करने को अधिकार है, और जाने कभी प्रेम प्रदत्त नहीं किया हो, बाकू क्रोध को कोई अधिकार नहीं है, वो ठाकुर जी से कोई बात नहीं कह सकता। हमारे श्री गोविंद दास जी, गोविंद स्वामी ठाकुर जी के संग में खेलते थे, इसी कलिकाल में श्री गोवर्धन पर्वत पर श्री गिरिराज जी में गोविंद दास जी के साथ में ठाकुर जी खेलते थे। एक दिन ठाकुर जी बोले आज हम वो खेलेंगे, बोले कहाँ खेलेंगे, बोले छुपन छुपाई खेलेंगे। जब श्रीनाथ जी नाथ द्वार में जो विराजते हुए जब गोवर्धन में विराजते थे, बड़ी लीला करी ठाकुर जी ने यहां पर, हमारे ब्रजमंडल में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष कलिकाल में लीला करने वाले अगर कोई ठाकुर जी हैं, श्रीनाथ जी बहुत लीला करी। सो दोपहर में राजभोग के बाद मंदिर बंद हो जाता है, ठाकुर जी सब गोविंद दास आदि के संग में निकल जाते गिरिराज जी पर। अच्छा, गोवर्धन के लोगों को नहीं पता होता था कि ठाकुर जी लीला करते हैं, केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही दिखते थे ठाकुर जी की लीला। तो गोविंद दास आदि कुछ सखाओं से ठाकुर जी बोले चल भैया आज छुपन छुपाई खेलेंगे। तो पहले बारी कौन की आएगी, गोविंद दास ठाकुर जी बोले ए गोविंदा तू गिनती कर, हम सबरे छुपेंगे, और जाकू पहले ढूंढेगो फिर वो गिनती करेगो। गोविंद दास जी बोले ठीक है। अब गोविंद दास जी गिनती कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब सब दौड़ रहे हैं गिरिराज जी में, कोई पेड़ के पीछे छुप गए हो, कोई गुफान में घुस गए हो, कोई नीचे चलो गए हो, कोई कहीं भाज गए हो। ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, स्वयं प्रत्यक्ष श्रीनाथ जी, और मां छुप करके बैठे हैं। बोले गोविंद दास दूर तो आवेगो, लेकिन गोविंद दास जी बड़े चतुर हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनियो। गोविंद दास जी बोले ठाकुर जी ने ऐसा महाराज गुलाब को इत्र लगाया हो, पूरे अंग ते जहां जहां छुपते गए वहीं वहीं तो गुलाब की खुशबू आ रही है। तो गोविंद दास जी तो ऐसे सूंघे, अच्छा इतते आ रही है, सो मां की ओर चल दे। और फिर ठाकुर जी जहां भी चरण रखे, ठाकुर जी के चरण से वो गिरिराज जी की पर्वत श्रृंखला, वो स्थान बिल्कुल मक्खन जैसे है जाए, तो वैसे ही चरणन को देखते वह चले गए। ठाकुर जी जहां भी छू करके निकले वृक्षन को, वहां चंदन की सी एक आकृति प्रकट है जाए। भगवान को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं, गोविंद दास जी तो छटपट गए और नीचे पेड़ के जाके खड़े हो गए, जय हो लाल जी ढूंढ लिए मैंने। ठाकुर जी बोले गोविंदा जी तेरी बात सही ना है, तू हमको ऐसे ही ढूंढ ले, अरे कहाँ बताएं, एक तो हमारे चरणन में इतनो महावर लगा दें गुसाई जी, ऊपर तो इतनो इत्र लगा दें पूरे अंग पे, और दूसरे हमारे हाथ कहीं भी स्पर्श करें वहीं से सुगंधी आ जाए, और ये सुगंधी देख देख के तू मेरे पीछे पीछे आ जाए, जो तेरी अच्छी बात ना है गोविंदा। गोविंद दास बोले जय जय, अब तो आप पकड़े गए, अब आप जाओ गिनती करो हम छुपेंगे। ठाकुर जी बोले मो ढूंढना तो बड़ो आसान है, पर मैं यह कैसे ढूंढूंगा जे कहीं छुप गया तो। सो ठाकुर जी गिनती करने लगे 1, 2, 3, 4, बोले छुप जाओ सबरे। अब सबरे महाराज दौड़ दौड़ करके जहां जहां जगह मिली सब छुप गए, ऐसे सघन वन में चले गए, ठाकुर जी आएंगे ही नहीं। ठाकुर जी ने दस्तक गिनती करी, नजर घुमा के देखी कोई नहीं मिल लो। ठाकुर जी बोले कौन ढूंढे है ने, दौड़ करके गए मंदिर में जाके चदरिया उड़ के सो गए ठाकुर जी। यहाँ गोविंद दास बैठो छुपो है कि कब ठाकुर जी आएंगे ढूंढेंगे मुझे। अब गोविंद दास बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रहे, ठाकुर जी आ रहे होंगे ढूंढ रहे होंगे मुझको। नेका देर बीत गई, महाराज सांझ सी हैं लगी, सूरज नेक नेक ढलतो जा रहा है। गोविंद दास जी बोले नेक में सहज है जाऊं, मैं ज्यादा अंदर चलोगे और दिखूं, नेक बाहर आ जाऊं तो ठाकुर जी को जल्दी मिल जाऊंगा। गोविंद दास तो चाह रहे हैं यहाँ के मुंह को पकड़ लें। सो गोविंद दास जी नेक बाहर आके खड़े गए, अब भी ठाकुर जी नहीं आए। नेक और बाहर आके खड़े गए, अब भी ठाकुर जी नहीं। अब तो कुंजते बाहर ही आ गए, सीधे खड़े ही गए, अब तो ढूंढ लें हुए, तब भी ठाकुर जी नहीं आए। गोविंद दास जी बोले इतनी देर है ठाकुर जी आए नहीं,
इतने में ही महाराज शाम के बज गए 4:30, मंदिर के घंटे घड़ियाल बजन लगे, ठाकुर जी को उत्थापन को समय है गयो। और घंटे घड़ियालन की आवाज जैसे सुनी, गोविंददास बोले, ये तो मंदिर खुलवे को समय है, मतलब हमें यहां छोड़ के खुद जाके मंदिर में सो गए। गोविंददास जी ने तो अपनी फेंटा कसी और महाराज सीधे गए श्रीनाथ जी के मंदिर में। और बाहर जाकर के देखें, अब भीतर श्रीनाथ जी खड़े हैं, बढ़िया गोसाई जी आरती कर रहे हैं, और द्वार पर खड़े होकर के गोविंददास क्रोध में भर के ठाकुर जी देख रहे हैं। ठाकुर जी उठी भाई भुजाती कर रहे हैं, गोविंददास जी की पंक्ति है, ये मेरी पंक्ति नहीं, गोविंददास जी स्वयं कह रहे हैं, दाव ले आयो भाज गमार। ठाकुर जी से कह रहे हैं गमार, दाव ले आयो भाज गमार, कबई तो निकसे को बाहर, ऐसी दुंगो मार। और ऐसे कर करके ठाकुर जी को डरावे। अब आरती कर रहे हैं गुसाई जी और श्रीनाथ जी खड़े हैं, और श्रीनाथ जी ऐसे घबरा रहे हैं, पीछे की ओर हो रहे हैं। तो गुसाई जी आरती करते करते बोले, जय जय, कहा भयो आप इतने घबरा काई क्यों रहे हो? तो श्रीनाथ जी बोले, देख जे गोविंदा मुकु डांट रो है द्वार पे खड़ो, और या से मुकु भय लग रो है, देख मुकु कितनो डांट रो है। गुसाई जी आरती करके बाहर गए, ए गोविंदा तुम ठाकुर जी को डांट क्यों रहे हो? ठाकुर जी को इतना श्रम क्यों कराते हो? अरे तुम्हारे साथ लीला करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी तुम ठाकुर जी पे चढ़ोगे। गोसाई जी बोले, गोविंददास बोले, अपने लाला समझा लो, बहुत बिगड़ गए, ये हमारे संग खेल लो, हमने दस्तक गिनती करी, हम ढूंढवे गए तो हम ढूंढ लिए, अब जाकी बारी आई, हम सबरे दुबक गए, खुद आके सो गए हो यहां पे, हम धूप में तप रहे हैं भीतर वन में। बात सुनते जा रहे हैं और गोसाई जी के नेत्र सजल होते जा रहे हैं। गोसाई जी कह रहे हैं, गोविंदा तो पे कितनी कृपा है ना, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ, तेरे संग खेलें, तेरे संग बैठें, और ये तो को ही अधिकार है, क्योंकि तेने इतनो प्रेम दियो है उनको कि तू उनको डांट भी सके, और तेरी डांट सुन के देख वो घबराऊ रहे हैं, नहीं तो त्रिलोकी नाथ के सामने कौन की चले, सुदर्शन चक्रधारी हैं, चक्रा नाम की गदा रखते हैं, एक बार खड़ी हो जाए तो सूर्य की भी तेज फीकी पड़ जाती है महाराज, उन पर ब्रह्म के सामने तू क्रोध करो, वो तेरे क्रोध से डर रहे हैं, क्योंकि तेने प्रेम इतना प्रदान कियो कि तेरे क्रोध को स्वीकार करने की वे तो को अनुमति प्रदान करें कि तू उनको क्रोध कर सके। तो भैया क्रोध संसार में है तो दोष है, और यदि अपने ठाकुर जी की खूब रज रज की सेवा करिए तो कभी कभी क्रोध बनावटी क्रोध मत करियो, असलियत में आवेगो काउदना, जब खूब प्रेम कर लोगे तो काउदना तो क्रोध आवेगो, और जब क्रोध आवेगो ठाकुर जी कोई ना कोई अनुग्रह निश्चित करेंगे। हमारे गिरधर लाल जी खूब आनंद करते हैं, खूब सेवा का सुख लेते हैं, खूब जैसी हम टूटी फूटी सेवा करें सबसे आनंदित रहे में, कभी कभी सेवा करते करते नेकाद मन में भाव आ जाए, हैं लाल जी ऐसे कैसे कर सको, जे कैसे कर दियो, जे काय को कर दियो आपने, ठीक है अच्छी बात है, अब हम भूखे रहेंगे आप भूखे रहो, नेकाद थोड़ी बहुत डांट फटकार चले। अत्यंत प्रेम की सीमा अधिकार प्रदान करती है कि आप क्रोध कर सकते हो, पर जाने प्रेम ही नहीं किया होगा वो क्रोध करे तो ठाकुर जी महाराज पूतना वाले हाथ दिखा देंगे अपने। तो पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका, पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की सुंदर भागवत की रस चर्चा को पियो, कब तक पिए? बोले जब तक तन में प्राण है तब तक पीते ही रहो, पीते ही रहो, ऐसी भागवत की कथा है। तीन श्लोकों में मंगलाचरण भागवत जी का गाया गया, इन तीनों श्लोकों के बाद हम भागवत जी के मंगलाचरण को प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत भगवान की।